यूवी इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आज एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करने जा रहा हूँ जो कि किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और उनके बारे में जितना भी कहा जाए, जितनी भी उनकी तारीफ की जाए, वो बहुत कम है। गाजियाबाद से अब की बार सांसद के प्रत्याशी भाजपा से श्री अतुल गर्ग जी, जो कि बहुत ही मिलनसार तो हैं ही, और जो भी उनके पास आता है सभी की बातों को बहुत ही ध्यान से सुनते हैं और सभी की समस्याओं का हल करने का पूरा प्रयास करते हैं। हमारे एक और बड़े भाई हमारे श्री राज कौशिक जी, जो कि बहुत ही मशहूर कवि भी हैं, शायर भी हैं, वे आज श्री अतुल गर्ग जी के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे। नमस्कार दोस्तों, यूवी न्यूज की इस विशेष डॉक्यूमेंट्री में मैं राज कौशिक आपका स्वागत करता हूं, आपको प्रणाम करता हूं। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली से सटी गाजियाबाद लोकसभा सीट बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि पिछले 3 बार से लगातार यहाँ भाजपा भारी मतों के अंतर से विजयी होती है। 2009 से पहले यह सीट हापुड़ संसदीय क्षेत्र बोली जाती थी, लेकिन 2009 में परिसमन के बाद गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया और पहली ही बार भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह यहां से चुनाव लड़े और भारी मतों के अंतर से जीते। उसके बाद लगातार 2 बार जनरल वीके सिंह, जो कि भारतीय सेना के चीफ रहे हैं, उन्होंने विजय का परचम लहराया। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने मौजूदा गाजियाबाद के विधायक अतुल गर्ग को गाजियाबाद का प्रत्याशी बनाया है और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो के लिए यहां पर समय दिया है, वो यहां पहुंचे हैं। मित्रों, इस वजह से ये सीट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी है। जहां तक अतुल गर्ग की बात है, उन्हें लेकर गाजियाबाद के मतदाताओं में बहुत ज्यादा उत्साह है। हम आपको बताते हैं, यूं तो सभी जानते हैं क्योंकि वो विधायक हैं कि अतुल गर्ग क्या है, लेकिन एक संक्षिप्त परिचय मैं आपका दे रहा हूं। अतुल गर्ग की पारिवारिक पृष्ठभूमि पूरी तरह से राजनीति पर आधारित रहे हैं। उनके पिता दिनेश चंद गर्ग लगातार 10 साल तक गाजियाबाद के मेयर रहे। वो गाजियाबाद के पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट भी थे और जिले के प्रमुख उद्यमी के रूप में भी उनकी पहचान रही है। खुद अतुल गर्ग जी स्वयं वाणिज्यिक स्नातक रहे हैं। नगर में पिछले कई दशकों से राजनीति, शिक्षा और उद्यमिता के क्षेत्र में वो सक्रिय रहे हैं। बहुत सी विशिष्ट उपलब्धियां अतुल जी के साथ जुड़ी हुई हैं। जहां तक हम राजनीति की बात करें तो जैसे मैंने बताया, वो 2 बार गाजियाबाद के विधायक रहे हैं और इस समय भी उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य हैं। वर्ष 2017 से वर्ष 2022 तक अतुल गर्ग जी योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में राज्य मंत्री रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा उनको स्वास्थ्य विभाग का मंत्री बनाकर अहम जिम्मेदारी दी गई थी, जिसको कोरोना काल में अतुल गर्ग ने बखूबी निभाया। दोस्तों, अतुल गर्ग जी पिछले कई दशकों से भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से प्रदेश की राजनीति में सक्रिय हैं और 2017 में विधायक चुने जाने से पूर्व भी पार्टी के अनेक महत्वपूर्ण पदों पर वो रह चुके हैं। उसी सिलसिले में, उसी क्रम में वो भाजपा निवेशक संरक्षण इकाई के राष्ट्रीय संयोजक भी रहे हैं। वो गाजियाबाद लोकसभा क्षेत्र से राजनाथ सिंह और उसके बाद वीके सिंह के चुनाव अभियान के संयोजक और प्रबंधक भी रहे। शिक्षा के क्षेत्र में अतुल गर्ग की सदैव से ही विशेष रुचि रही है, जिसके चलते वो अनेक शिक्षण संस्थाओं के संस्थापक सदस्य हैं। उनके द्वारा उत्तर प्रदेश में 6 इंजीनियरिंग कॉलेजों की स्थापना की गई। KIIT यानी काइट के नाम से विख्यात ये तकनीकी कॉलेज प्रदेश के श्रेष्ठ 10 कॉलेजों में आते हैं। इन कॉलेजों में प्रदेश की प्रथम उद्यमिता विकास इकाई वर्ष 2002 में स्थापित की गई, जो कि भारत सरकार के NSTEDB विभाग द्वारा प्रोत्साहित है। इस इकाई से अभी तक 161 क्षेत्रों में लगभग 8,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित किया गया है। इस इकाई द्वारा 2,000 बेरोजगार युवाओं को विभिन्न क्षेत्रों में कौशल वृद्धि एवं नेतृत्व क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया है। इस इकाई द्वारा विभिन्न विद्यालयों के 500 छात्रों, मित्रों जो कि समाज के वंचित वर्ग से आते हैं, उन 500 छात्रों को कंप्यूटर का प्रशिक्षण भी दिया गया है।
अतुल गर्ग द्वारा जिला जेल डासना में कंप्यूटर कक्ष की भी स्थापना की गई, जो कि पिछले 7 वर्षों से कार्यरत है और लगभग 300 जेल कैदियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। इस इकाई द्वारा स्वाधीन परियोजना के अंतर्गत गाजियाबाद के 3 विद्यालयों में लगभग 30 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है। अतुल गर्ग द्वारा संस्थापक अध्यक्ष के रूप में कृष्णापात इंक्यूबेशन सोसाइटी TBI तथा KIIT की भी स्थापना की गई है। इकोनॉमिक्स टाइम्स नई दिल्ली के 11वें संस्करण फरवरी 2011 में TBI को 14 TBI ऑफ इंडिया में 7वें स्थान पर दर्शाया गया है। अतुल गर्ग जी के नेतृत्व में TBI KIIT द्वारा महिंद्रा वर्ल्ड सिटी SEZ जयपुर में वर्ष 2010 से बेरोजगार युवाओं के कौशल विकास हेतु अपनी पहचान कौशल से नाम परियोजना चलाई जा रही है। अतुल गर्ग जी द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी गरीबों के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम की स्थापना वर्ष 2011 में की गई थी, जिसमें लगभग 900 परिवारों को संपत्ति का कब्जा दिया जा चुका है। दोस्तों, अतुल गर्ग माधव प्रकाशन के संस्थापक हैं। ये प्रकाशन लगभग 200 पुस्तकों का हिंदी में अभी तक प्रकाशन कर चुका है। मित्रों, अतुल गर्ग जी के संरक्षण में प्रत्येक वर्ष गाजियाबाद नगर में श्री दिनेश चंद्र गर्ग खेल महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जिसमें 3500 से अधिक खिलाड़ियों और 5000 से अधिक दर्शकों की सहभागिता रहती है। दोस्तों, ये तो था उनका एक औपचारिक परिचय। इसके अलावा साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के मामले में भी अतुल गर्ग की अहम भूमिका गाजियाबाद में रहती है। गाजियाबाद में साहित्य और सांस्कृतिक गतिविधियों का केंद्र बन चुके लोहे नगर स्थित हिंदी भवन को कौन नहीं जानता। उसका जो ऑडिटोरियम है वो उनके पिताश्री दिनेश चंद गर्ग के नाम है, जिसमें बहुत बड़ा आर्थिक सहयोग अतुल गर्ग जी का रहा है और लगातार उस ऑडिटोरियम में हिंदी भवन में नाटक, कवि सम्मेलन और अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां होती रहती है। मैं अक्सर अतुल जी के साथ मन शेयर करता रहा हूं और एक शेर फहमी बदायूनी का मैं अक्सर उनके परिचय में पढ़ता रहता हूं कि समंदर उल्टा सीधा बोलता है, समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है, समंदर उल्टा सीधा बोलता है, सलीके से तो प्यासा बोलता है, मैं हर शायर में यह भी देखता हूं बिना माइक के वो क्या बोलता है। दोस्तों, अतुल गर्ग गाजियाबाद लोकसभा से भाजपा के ऐसे प्रत्याशी हैं जो माइक पर भी बहुत अच्छा बोलते हैं और बिना माइक के भी बहुत अच्छा बोलते हैं, और शायद यही वजह है कि उन्हें लेकर गाजियाबाद के मतदाताओं में खासा उत्साह है और मतदाता मन बना चुके हैं कि अतुल गर्ग को रिकॉर्ड मतों के साथ विजयी बनाकर लोकसभा में पहुंचाना है। एक पत्रकार के रूप में मेरा यह भी आकलन है, क्योंकि उनके चुनाव प्रचार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं पधार रहे हैं, मुझको लगता है कि आने वाले समय में हम केंद्रीय मंत्रिमंडल में, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय मंत्री के रूप में गाजियाबाद का प्रतिनिधित्व देख सकते हैं और अतुल गर्ग केंद्रीय मंत्री बन सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।